जब वो दोनों दोस्त उस आइलैंड पर पहुंचे कि तभी अचानक वो आइलैंड हिलने लग गया। तभी खुलासा हुआ कि वो असल में कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक बड़ी ब्लू वेल है जिसे बड़ी बड़ी लोहे की चेन से बांधा हुआ था। इसके बाद हमने कुछ हफ्ते पहले का सीन देखा जब आधी रात में एक जादुई सफेद घोड़ा एक किसान के खेत में घुसा और चारों तरफ भाग कर उसका पूरा खेत तबाह कर दिया। अगली सुबह जब उस बूढ़े किसान ने ये देखा तो उसने उसके तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें उनके तबाह हुए खेत को दिखाया। अब क्योंकि वो खेत उनका इकलौता कमाई का साधन बर्बाद हो चुका था इसीलिए उस किसान ने अपने बेटों से आज रात खेत की रखवाली करने के लिए कहा ताकि वो उसे पकड़ सके जिसने ये सब कुछ किया है। उन तीनों भाइयों में से सबसे छोटा भाई है जॉन, इसीलिए उन दोनों भाइयों ने ये जिम्मेदारी जॉन पर डाल दी। जॉन को अंधेरे से डर लगता है लेकिन फिर भी अपने पिता का भरोसा जीतने के लिए वो पूरे खेत की रखवाली करने के लिए मान गया। जब रात को जॉन उसके खेत की रखवाली कर रहा था तभी उसने उस चमकते हुए जादुई घोड़े को देखा। तब जॉन ने उसकी तरफ एक रस्सी फेंकी, वो रस्सी उस घोड़े के गले पर अटक गई और उस घोड़े ने जॉन को भी अपने साथ पूरे खेत में घसीटना शुरू कर दिया। फिर अचानक वो घोड़ा हवा में उड़ने लग गया जिससे जॉन को उसका खूबसूरत गांव दिखाई देने लग गया। ये देखकर जॉन खुशी से चिल्ला उठा लेकिन अगले ही पल वो दोबारा जमीन पर आ गिरा। जमीन पर आते ही वो घोड़ा एक दलदल में गिर गया। उस बेचारे जानवर को डूबता देख जॉन को उस पर दया आई और उसने किसी तरह से उस घोड़े को दलदल से बाहर निकाल लिया। जॉन के इस काम से वो घोड़ा इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर जॉन भी इमोशनल हो गया। तब जॉन ने उस घोड़े की रस्सी को खोलते हुए उससे वादा लिया कि अब वो दोबारा उनके खेत को तबाह नहीं करेगा। उस जादुई घोड़े के जाने के बाद जब जॉन ने उसके बर्बाद खेत को देखा तो वो समझ गया कि कल उसकी बैंड बजने वाली है। अगले दिन जब जॉन उसके अस्तबल में उठा तो वो उसके सामने दो शानदार काले शाही घोड़े देखकर हैरान रह गया। जब वो उन घोड़ों को देख रहा था तभी जॉन ने उसके पीछे से किसी की आवाज सुनी जिसे सुनते ही वो चौंक गया और जॉन ने जल्दी से एक नुकीला डंडा उठा लिया। लेकिन जब जॉन उस आवाज की तरफ बढ़ा तो उसने वहां पर एक छोटे घोड़े के बच्चे फोल को देखा जो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल पा रहा था। फोल ने बताया कि जॉन ने पिछले रात जिस घोड़े को बचाया था वो उसकी माँ है और उन्होंने जॉन को तोहफे में ये दो घोड़े दिए हैं। साथ ही फोल को भी जॉन की मदद करने के लिए वहाँ भेजा गया है। जल्द ही जॉन के पिता को उसके तबाह हुए खेत के बारे में पता चला और वो गुस्से में चिल्लाने लग गए। ये देखते ही जॉन समझ गया कि वो मुसीबत में है। जब फोल ने जॉन को घबराते हुए देखा तो उसने जॉन को उसकी पीठ पर बिठाया और 150 की स्पीड में भागता हुआ जॉन को उसके खेत से बहुत दूर ले गया। इसके बाद जॉन ने कहा कि वो उन दोनों घोड़ों को बेचना चाहता है ताकि उनसे उसे थोड़े पैसे मिल जाए। फोल ने एक बार फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सीटी बजाई जिससे वो दोनों घोड़े भी भागते हुए उनके पास आ गए। अब उन शाही घोड़ों को अपने साथ लेकर जॉन और फोल उनके लिए सही खरीदार ढूंढते हुए एक बाजार में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन शाही घोड़ों को खरीदने वालों की लाइन लग गई लेकिन लालच के चलते जॉन ने उन घोड़ों को उस शहर के सबसे अमीर आदमी को बेचने की पेशकश की और उस शहर का सबसे अमीर आदमी और कोई नहीं बल्कि वहां का राजा है। जैसे ही जॉन राजमहल के बाहर पहुंचा तो उन शाही घोड़ों को देखते ही राजा हैरान रह गया लेकिन एक सभ्य आदमी की तरह उन्हें खरीदने की बजाय राजा ने अपने सिपाहियों से उन घोड़ों को पकड़ने का हुक्म दे दिया क्योंकि राजा का मानना है कि जॉन जैसा एक गरीब किसान इतना शानदार घोड़ों का मालिक कैसे हो सकता है। ये देखकर जॉन बहुत निराश हुआ और उसने एक बार फिर फोल से मदद मांगी। फोल ने एक बार फिर सीटी बजाई और वो घोड़े दोबारा जॉन के पास आकर खड़े हो गए लेकिन उस चक्कर में उन घोड़ों ने राजा को आटे की बोरी पर गिरा दिया। इस बात से राजा बहुत गुस्सा हुआ लेकिन उसने लोगों के सामने अपने गुस्से पर काबू किया। तब जॉन ने राजा से उन दोनों घोड़ों के बदले में दो चांदी की टोपियों की मांग की। हालांकि राजा के मंत्री ने उसे याद दिलाया कि वो घोड़े जॉन से बंधे हुए हैं और हमेशा उसके पास भागकर पहुंच जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा ने जॉन को उसके महल का मुख्य पद दे दिया। ये सुनकर जॉन इतना खुश हुआ कि उसने बिना एक बार भी सोचे राजा की बात स्वीकार कर ली और राजा की इस घोषणा से सभी लोग जॉन के लिए चीयर करने लग गए। उन्हें लगने लगा कि जॉन जानवरों से बात कर सकता है। इधर जॉन धीरे धीरे लोगों के बीच में पॉपुलर होने लग गया। वहीं राजा को जॉन से जलन होने लगी और वो कैसे भी करके जॉन को फांसी देना चाहता है लेकिन उसके पास जॉन को फांसी देने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। लेकिन एक दिन उसके दरबारी ने उसे एक आइडिया दिया। उनके प्लान के हिसाब से वो जॉन को एक फायर बर्ड को पकड़ने के लिए भेजेंगे। अब क्योंकि ये एक असंभव काम है इसीलिए जॉन इसमें फेल हो जाएगा और इस तरह से वो जॉन को सजा दे सकेंगे। ये सुनने के बाद राजा पागलों की तरह हंसने लगा और जॉन के पास ये फरमान भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन ने इस मिशन के बारे में सुना तो वो इसे पूरा करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि फोल ने जॉन को चेतावनी दी कि आज तक कोई भी फायर बर्ड को पकड़ नहीं पाया है और ये एक असंभव काम है। लेकिन जॉन गांव के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये काम करना चाहता है इसीलिए वो दोनों इस काम के लिए निकल गए। रास्ते में वो फायर बर्ड को उनके वश में करने के लिए जादुई फल लेने जंगल में जाते हैं। जॉन उन फलों को टेस्ट करना चाहता था लेकिन फोल ने उसे उन्हें खाने से मना कर दिया और उसे बताया कि वो फल नशीले हैं। इसके बाद वो दोनों पूरे दिन चलते रहे और फाइनली रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गए जो उस फायर बर्ड का घर है। वहां उन्हें गीली रेत की चेतावनी का बोर्ड भी दिखाई दिया। इसके बावजूद भी जॉन ने उन जादुई फलों को नीचे जमीन पर गिराया और वहीं पास में छिप गया। थोड़ी देर बाद आलिशान फायर बर्ड उस गीली रेत से बाहर आई और उन जादुई फलों को खाने लग गई। जॉन के प्लान के हिसाब से उन फलों को खाने के बाद फायर बर्ड को बेहोश हो जाना चाहिए था लेकिन उसके पहले ही उस बर्ड ने उन दोनों को देख लिया और उन पर हमला कर दिया। जॉन और फोल कई बार मरते मरते बचे और दोनों ने हर बार एक दूसरे की जान बचाई। हालांकि थोड़ी देर बाद फाइनली वो फायर बर्ड उन जादुई फलों की वजह से बेहोश हो गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए जॉन ने उसे चैन से बांध दिया। अगले दिन जॉन और फोल ने देखा कि वो फायर बर्ड बहुत ही कमजोर हो चुकी थी और वो रो रही थी। फोल ने जॉन को
समझाया कि वो बर्ड तभी जलती है जब वो आजाद होती है। अगर वो ज्यादा देर तक वहीं जमीन पर पड़ी रही तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। ये सुनने के बाद जॉन को उस बर्ड पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही जॉन ने उस बर्ड की चेन्स खोली वो फिर से जलने लगी और ऊपर आसमान में उड़ गई। हालांकि जाने से पहले उसने जॉन के लिए उसका एक जलता हुआ पंख छोड़ दिया। अब क्योंकि उनका मिशन फेल हो चुका था इसलिए फोल ने सुझाव दिया कि उन्हें वापस शहर नहीं लौटना चाहिए क्योंकि राजा जॉन को मार डालेगा। हालांकि जिद्दी जॉन का मानना है कि वो उस फायरबर्ड के पंख को दिखाकर ये साबित कर सकता है कि उन्होंने फायरबर्ड को पकड़ा था। लेकिन वापस शहर पहुंचते ही राजा ने जॉन को फांसी देने का आदेश दे दिया। जॉन ने उसे समझाने की कोशिश की कि उन्होंने फायरबर्ड को पकड़ लिया था लेकिन फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। लेकिन राजा को जॉन की इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ और उसने जॉन की गर्दन को उसके शरीर से अलग करने का आदेश दे दिया। लेकिन ठीक उसी समय वही आलिशान फायरबर्ड वहां पर पहुंच गई जिससे पूरे राज्य में तेज रोशनी चमकने लग गई। दरअसल उसने जॉन की मदद की पुकार सुन ली थी और वो उसकी मदद करने के लिए वहां पर आई थी। राज्य की जनता ये देखकर पगला गई कि वो फायरबर्ड जॉन के दिए आदेशों का पालन कर रही थी। इसीलिए राजा को जॉन की सजा रुकवानी पड़ी और जॉन के सम्मान में राजा ने लोगों को दावत भी दी। उस रात जॉन सभी लोगों का हीरो बन चुका था। ये देखकर राजा जॉन से और भी ज्यादा जलने लग गया। तब उसके दरबारी ने उसे जॉन को एक और नामुमकिन काम देने के लिए कहा जिसमें जॉन को ऊंचे पहाड़ पर स्थित बर्फीले राज्य में रहने वाली राजकुमारी को लेकर आना होगा। ये सुनकर राजा को यकीन हो गया कि जॉन इस काम में पक्का फेल हो जाएगा और फिर वो उसे मौत की सजा दे देगा। इसीलिए अगले दिन राजा के दूत ने जॉन को उसका अगला मिशन दिया जिसे जॉन ने बिना हिचकिचाहट के एक्सेप्ट भी कर लिया। बड़ी और खतरनाक ऊंची चट्टानों को पार करने के बाद जॉन और फॉल फाइनली उस बर्फीले महल के दरवाजे पर पहुंच गए जहां वो राजकुमारी रहती है। हालांकि उन्होंने देखा कि उस महल के एंट्रेंस पर बहुत बड़ी बर्फ की दीवार खड़ी हुई थी जिस वजह से उस महल के अंदर घुस पाना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन उस फायरबर्ड द्वारा दिए गए पंख की मदद से जॉन ने पूरी बर्फीली दीवार को पिघला दिया जिससे हजारों लीटर पानी बहने लग गया। बदकिस्मती से फूल पर भी बर्फ गिरी जिस वजह से वो चट्टान से नीचे गिरने लगा। वो काफी बुरी तरह से नीचे गिरा लेकिन इसके बावजूद भी उसने खुद को चोट लगने से बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ जॉन उस महल के अंदर गया जहां उसे राजकुमारी दिखाई थी। जॉन ने अपना परिचय देते हुए राजकुमारी को बताया कि उसे उसके राजा ने भेजा है। लेकिन राजकुमारी ने उसे कहा कि वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसके हिसाब से अब दुनिया में हीरो बचे ही नहीं है। जॉन के बहादुरी चेक करने के लिए राजकुमारी चट्टान से नीचे कूद गई। तभी जॉन भी उसे बचाने उसके पीछे कूद गया। जॉन के साहस से प्रभावित होकर राजकुमारी ने उसके गाउन को पैराशूट में बदल दिया और धीरे धीरे नीचे जाने लगी। लेकिन तभी जॉन ने गलती से राजकुमारी के गाउन में छेद कर दिया जिस वजह से वो दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। ऐसा लग रहा था कि दोनों बुरी तरह से मरने वाले हैं। लेकिन तभी हमने फूल को उसके पंखों के साथ उड़ते हुए देखा और उसने उन दोनों को बचा लिया। बाद में उस रात को राज्य वापस लौटते समय उन तीनों ने जंगल में रात बिताई। उस समय फूल ने जॉन को राजकुमारी को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाने की सलाह दी लेकिन जॉन ने मना कर दिया। राजकुमारी जो उन दोनों की बातें सुन रही थी वो जॉन की वफादारी देखकर हैरान रह गई। अगली सुबह वो तीनों राज्य में लौट आए जहां सभी ने जॉन को एक हीरो की तरह स्वागत किया। सभी लोगों ने हैरानी से देखा कि जॉन ने उसका ये मिशन भी पूरा कर दिया। ये देखकर राजा को जॉन से और भी ज्यादा जलन होने लगी। इसके बावजूद भी राजा को एक बार फिर जॉन को इनाम देना पड़ा। बाद में उस रात को जॉन ने फूल को बताया कि वो राजकुमारी को पसंद करने लगा है और वो राजकुमारी से मिलने चला गया। जॉन ने कुछ फूल लिए और राजकुमारी के कमरे की खिड़की पर पहुंच गया लेकिन तभी उसने देखा कि राजा का दरबारी राजकुमारी के पहनने के लिए कपड़े लेकर आया हुआ था। थोड़ी देर बाद राजकुमारी फाइनली राजा से मिली और उसे देखकर राजकुमारी ने कहा कि वो तो उसके पिता की उम्र का है। वहीं बाहर की तरफ राजा और राजकुमारी को साथ देखकर जॉन काफी निराश हुआ। राजा अगले दिन ही राजकुमारी से शादी करना चाहता है लेकिन राजकुमारी ऐसा नहीं चाहती। शादी को टालने के लिए राजकुमारी ने कहा कि उसके परिवार की परंपरा है कि वो सिर्फ एक स्पेशल अंगूठी को पहनकर ही शादी करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो अंगूठी समुद्र में कहीं खो गई है। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने एक बार फिर जॉन को एक मुश्किल काम सौंप दिया। उसी रात हमने देखा कि फूल को आसमान में एक वेल की आत्मा दिखाई दी। फूल ने फिर सूरज चांद और हवा से बात की और उसे पता चला कि राजकुमारी की वो अंगूठी एक बड़ी सी वेल के पेट में है जो कि अब एक आइलैंड में बदल चुकी है। अगली सुबह जॉन और फूल उस वेल फिश की खोज में निकल गए और उन्होंने देखा कि वेल को बड़ी लोहे की चेन से बांधा हुआ है। फूल ने जब उस वेल से बात की तो उसे पता चला कि उसे सजा के तौर पर यहाँ बांध कर रखा हुआ है क्योंकि उसने सिर्फ मस्ती के लिए कई सारी शिप्स को निगल लिया था। हालांकि उस समय वो जवान और ना समझ थी लेकिन अब उसे उसके किए पर पछतावा होता है। ये कहने के बाद वेल की आंखों में आंसू आ गए। तभी जॉन को एक आइडिया आया कि उन्हें वेल को छींक खाने के लिए मजबूर करना चाहिए। ऐसा करने से वेल की चेन्स टूट जाएंगी। इसलिए फूल और जॉन वेल के नाक में घुसे और उसे खुजली करने लग गए। उनका ये प्लान काम कर गया और इतनी विशाल वेल को छींक आ गई। छींकने की वजह से वेल की चेन्स टूट गई और तभी वो सारी शिप्स भी उसके पेट से बाहर निकल आई। तब उस वेल ने जॉन और फूल को धन्यवाद कहते हुए उन्हें वही अंगूठी दे दी। अगले सीन में वो दोनों राजकुमारी को अंगूठी देने के लिए उसकी खिड़की पर पहुंचे लेकिन तभी एक गार्ड ने उन्हें देख लिया। वहीं राजा के दरबारी ने भी उन्हें देख लिया और जल्दी से जॉन को पकड़ने का आदेश दे दिया। इस हंगामे से राजा भी जाग गया और अपनी बंदूक लेकर वो भी खिड़की पर आ गया। जैसे ही उसने फूल को देखा उसने बिना सोचे उस पर गोली चला दी। वहीं दूसरी तरफ गार्ड्स ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया और उस पर राजकुमारी को किडनैप करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। इसके बाद राजा राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन और समय मांगने की कोशिश में राजकुमारी ने राजा से कहा कि वो उसकी दादी का नुस्खा इस्तेमाल करे ताकि वो दोबारा जवान हो जाए। उसने बताया कि उसके लिए राजा को 3 डेगचियों में से नहाना होगा, एक जिसमें उबलता हुआ पानी होगा, दूसरी में बर्फीला पानी और तीसरी में उबलता हुआ दूध होगा। राजकुमारी ने काफी शातिर प्लान तो बना लिया था, लेकिन ये प्लान जॉन के लिए मुश्किल बनने वाला था। राजा के दरबारी ने सोचा कि हो सकता है ये कोई जाल हो, इसीलिए उन्हें सबसे पहले जॉन को इस प्रक्रिया से गुजारना चाहिए। फिर रात को राजकुमारी फूल के पास गई और उसे बताया कि उन तीनों डेगचियों से किस तरह से बचा जा सकता है। उसने खुलासा किया कि पहली डेगची में उसकी दादी की अंगूठी डालनी होगी, दूसरी में फायरबर्ड का वो पंख और तीसरी डेगची में जिंदगी और मौत का फूल डालना होगा जो कि इस दुनिया के आखिरी छोर पर मौजूद है। ऐसा करने से जॉन को उन डेगचियों में कूदने के बाद भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। राजकुमारी ने कहा कि अब यही एक तरीका है जिससे वो जॉन को बचा सकते हैं। फूल जो कि पहले से गोली लगने की वजह से जख्मी है, वो जानता है कि इस मिशन में उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने इकलौते दोस्त के लिए फूल लेकर जरूर आएगा। अब क्योंकि फूल उड़ नहीं सकता, इसलिए वो तेजी से भागता हुआ दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंच गया। किस्मत से फूल को वो फूल मिल भी गया, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि जो कोई भी उस फूल को तोड़ेगा वो अपनी मौत को न्योता देगा। हालांकि इस चेतावनी को अनदेखा करते हुए फूल ने जॉन को बचाने के लिए उस फूल को तोड़ दिया। अगली सुबह राजा ने घोषणा की कि वो जॉन को बचने का एक और मौका दे रहा है, इसीलिए जॉन को उन तीनों डेगचियों में से गुजरना होगा। जॉन समझ गया कि अब वो मरने वाला है, इसीलिए उसने बहादुरी से राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार किया। फिर वो उबलते हुए पानी में कूद गया, लेकिन ठीक उसी समय राजकुमारी ने उसकी अंगूठी पहली डेगची में फेंक दी जिससे जॉन को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद वो दूसरी डेगची में कूदा, तब फायरबर्ड ने उसका पंख उसमें गिरा दिया और जॉन एक बार फिर बच गया। ठीक उसी समय फूल उस तीसरी डेगची में फूल फेंकने में कामयाब हो गया, जिस वजह से जॉन दोबारा बच गया। उस नुस्खे से सही सलामत गुजरने के बाद जॉन को देखकर राजकुमारी बहुत इंप्रेस हुई। ये देखकर राजा को भी यकीन हो गया कि इस नुस्खे से सचमुच लोग दोबारा जवान हो जाते हैं, इसीलिए राजा ने पहली डेगची में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही राजा ने ऐसा किया, वो एक बड़े से बबल के अंदर कैद हो गया। राज्य के लोगों ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और जॉन के लिए नारे लगाने लग गए। वहीं जॉन और राजकुमारी ने देखा कि फूल वहां पर नहीं है। वो जल्दी से फूल को ढूंढने गए। जल्दी उन्हें फूल मिल गया जो शांति से बैठा हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने उस फूल को तोड़ा जो था। हालांकि तभी राजकुमारी ने खुलासा किया कि वो चेतावनी सिर्फ एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि उस फूल को तोड़ने वाला शख्स कितना बहादुर है। राजकुमारी ने बताया कि अगर फूल उस फूल को नहीं तोड़ता तब तो वो पक्का मारा जाता, लेकिन अब वो नहीं मरने वाला है। ये सुनते ही फूल खुशी से उछल पड़ा और अपने बेस्ट फ्रेंड को गले लगाया। फाइनल सीन में राज्य की जनता ने जॉन के नाम के नारे लगाए और उसे उनके राज्य का नया राजा बनने के लिए कहा। जॉन ने भी खुशी खुशी उनकी बात मान ली और वादा किया कि वो हमेशा उनकी हिफाजत करेगा। इस मूवी के अंत में जॉन और राजकुमारी ने एक दूसरे से शादी कर ली और खुशी खुशी उस राज्य के राजा रानी